हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई विकास और मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस का बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी काम दे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आपको आता भी है तो उसका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों आज का फर्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत में तार समानता होता है। विद्युत में तार समानता लाल रंग का होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का। वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सतहों से। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। दोस्तों मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसमें सभी वीवीआई हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये वीवीआई है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन ही वीवीआई हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इस पर आप गौर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f। तो f हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसे हम मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो अवतल लेंस है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस में होगा अवतल लेंस है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो कैसा दर्पण होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो दोस्तों जैसे कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात पूछा है तो ये जैसे 2 हुआ इसका 1 हो जाएगा, तो इसका 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्काइन का समान सूत्र है। तो दोस्तों एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CnH2n-2 एल्काइन का समान सूत्र होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या। तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या 26 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ लाभ मिलता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इंप्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको लाभ मिलता है दोस्तों तभी इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं मिलता तो नहीं करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2CO3। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए N2CO3 का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन अम्लीय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PH3 यानी PH3। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 7 से कम वाले को जिसका PH3 होता है वो अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर वाले जो होते हैं क्षारीय होते हैं और 7 के बराबर वाले उदासीन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस अम्लीय 3 होगा, PH3 होगा तो वो अम्लीय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है, मतलब ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। दोस्तों जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि CaCO3 बन रहा है CaO+CO2, मतलब विखंडन हो रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपघटन। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, तो यकृत को ही लीवर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधा का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित करता है। पौधा का जो जड़ है ना दोस्तों, वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, जो मतलब मादा मानव मादा में नहीं पाया जाता। जो देखते हैं, पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्राणु, चौथा है डिम्बवाहिनी। दोस्तों शुक्राणु जो होता है वो पुरुष में पाया जाता है, यानी नर में पाया जाता है। इसका सही आंसर शुक्राणु हो जाएगा, क्योंकि ये भाग नहीं है नर का, मादा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत को हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। तो दोस्तों कुल जो है हिमाचल प्रदेश की नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइड्रिला पौधे में दोस्तों रंध्र पत्तियों में नहीं, तना में, इसमें नहीं, रंध्र नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।